आफ्टरनून बच्चों, हम जो फिफ्थ चैप्टर फिफ्थ क्लास में जो चैप्टर पढ़ रहे थे पोएम दिस लैंड ऑफ ओवर्स, यानी ये ज़मीन हमारी है, तो इसमें हमने आधा ही चैप्टर पढ़ा था। आज हम यहाँ से नेक्स्ट इसका अगला पढ़ते हैं स्टेंजा। आज हम इसका थर्ड स्टेंजा पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि इसमें हमने कश्मीर की जो ज़मीन है उसके बारे में बताया गया है कि ये जो ज़मीन है ये हमारी ज़मीन है। द थर्ड स्टेंजा, इन द वैली ऑफ माउंटेन रेंज स्प्रिंग सीजन हैज़ चूजन ए सीट टू रेस्ट एंड टुलिप्स ब्लूम इन गार्डन्स लाइक शालीमार। फ्लावर्स एंड ग्रीनरी स्टे हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज द वेदर इज प्लेजेंट। तो इस स्टेंजा में हम देखते हैं कि बताया है कि जो ये कश्मीर घाटी है चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है, तो यहाँ पे जब स्प्रिंग सीजन मींस बसंत का मौसम जब यहाँ पे आता है तो वो यहीं पे जैसे ठहर जाता है, यहीं पे वो जैसे रुक जाता है, और टूलिप फ्लावर्स जो हैं वो इस शालीमार गार्डन को ज़्यादा ही सुंदर बनाने में मदद करता है। यहाँ के जो फूल हैं और यहाँ की जो हरियाली है वो बहुत समय तक यहाँ पे आके रुक जाती है, जिसकी वजह से कश्मीर का जो ये मौसम होता है ये बड़ा ही सुहाना होता है। और ये जो कश्मीर जैसा, यानी कि इसे फूलों का बगीचा कहा गया है। स्टैंजा फोर्थ, स्प्रिंग्स रिवर्स एंड स्ट्रीम्स विद रोरिंग वाटरफॉल्स और थ्रिल्ड विद जॉय ऑफ स्प्रिंग एंड दिस लैंड ओवर फ्लावर गार्डन इज एंड रिश्ड बाय वाटर बॉडीज। तो यहाँ पे इसने बताया है जितने भी यहाँ पे चश्मे हैं, नदियाँ हैं, छोटे छोटे झीले हैं, ये शोर करती हुई जब ये बड़े जोश से खुशी से इस स्प्रिंग के सीज़न को और भी सुंदर बना देती है, यानी इससे और भी एक्साइटेड बना देती है। और ये जो वाटर बॉडीज है इसकी वजह से यहाँ का मौसम और भी अधिक सुंदर लग जाता है। स्टैंजा फिफ्थ, अराउंड रोजेस द बर्ड्स टर्न इन लव एंड द बीस सीक नर्सेस ए फ्रेग्रेंट वाइट एंड येलो फ्लावर। द नेटिव्स फील ड्रंक विद एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस एज द लैंड ऑफ ओवर्स इज ए फ्लावर गार्डन। तो यहाँ पे बताया है कि जितने भी बागों में हमारी जो ये कश्मीर की ज़मीन है, यहाँ पे जो ये हरियाली है, यहाँ पे जो ये पेड़ पौधे हैं, ये इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और जो ये बाग जो है रंग बिरंगे फूलों से जो सजा हुआ होता है, परिंदे इनके इर्द गिर्द घूमते हैं और इन्हें ये खूबसूरती बड़ी ही पसंद आती है। और यहाँ पे जो मधुमक्खियाँ वगैरह होती हैं, ये गुलाब के फूल जो होते हैं, तो ये इन फूलों के ऊपर से सफ़ेद और पीले जो फूल होते हैं उनके ऊपर से इसकी सुगंध को सूंघ कर बड़े ही खुश हो जाते हैं। यानी ये हमारी फूलों की ज़मीन जो है इसको फूलों का बगीचा कहा गया है, यानी परिंदे भी इसकी सुगंध लेने में एक्साइटेड होते हैं। स्टैंजा सिक्स्थ, द पोएट बिलीव्स दैट दिस लैंड ऑफ ओवर्स इज अ चार्मिंग गार्डन इंडीड एंड वी शुड शॉवर आवर लव ऑन इट एज इट इज आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दिस फ्लावर गार्डन। तो यहाँ पे पोएट हमें यकीन दिलाता है कि ये जो हमारी ज़मीन है, यानी हमारी ज़मीन कौन सी है, कश्मीर की ज़मीन जो है, ये इसके जो खूबसूरत बाग हैं ये इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। यानी कि ये कवि बताता है, इसमें पॉइंट बताता है कि ये सचमुच एक ऐसा अट्रैक्टिव बगीचा है, एक अपनी ओर खींचता है, यानी अपनी खूबसूरती से सब लोगों को अपनी ओर खींचता है और अपने प्यार जो लोग हैं वो अपना प्यार इस पे बरसाना चाहते हैं। तो हम लोगों की ड्यूटी है कि हम इस फूलों के बगीचे की देखभाल करें, इसे तबाह ना होने दें। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। थैंक यू।